करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर। वतन अज़ीज़ में सैलाब की ख़तरनाक सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं है। मुख्तलिफ सूबों के कई अजला ज़ेर आब आ चुके हैं, बस्तियाँ सफ़ाई हादसे से मिट चुकी हैं, खेतियाँ बर्बाद हो चुकी हैं, रिश्तेदार बिखर चुके हैं, कारोबारी मराकज़ डूब गए हैं, रास्ते मसदूद हैं, भूख व अफलास से मुतासरीन परेशान हाल हैं, बच्चे दूध के लिए बिलख रहे हैं। इनके लिए हर नया दिन अपने साथ मजीद परेशानियों को ला रहा है। आल पाकिस्तान स्टेट एजेंट एसोसिएशन के बानी व चेयरमैन नदीम शेख और उनके रुफका खिदमत इंसानियत के जज्बे से सरशार हैं और सलाम मुतासरीन के लिए इनके खदमात किसी से पोशीदा नहीं हैं। रास्ते की सख्तियाँ व मुश्किलात नदीम शेख और उनके रुफका को सैलाब ज़दगान की मदद से नहीं रोक सकी हैं और नदीम शेख और उनके रुफका का अज़म है कि वह मुतासरीन सैलाब की बहाली तक उनकी मदद करते रहेंगे। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान स्टेट एजेंट एसोसिएशन नदीम शेख, मैं सबसे पहले तो अपने बलोचिस्तान के सदर जावेद सोल महंगा साहब का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने कल यहाँ रात जो है वर्किंग की और यहाँ जो सैलाब ज़दगान थे और जो ये खेमा बस्ती आबाद है यहाँ का एड्रेस लिया और हमें यहाँ तक पहुँचाया। इसलिए कि हमारा अव्वलिन तरजीह ये है कि हम मुस्तहिकीन तक पहुँचें, जो वाकई सैलाब से मुतासिर लोग हैं, जो फैमिलियाँ मुतासिर हुई हैं, उन इलाकों में जाया जाए और इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही होगी कि भले कठिन सफ़र हो, बहुत कठिन सफ़र था और बहुत दुश्वार सफ़र था, दो तीन जगह गाड़ी भी हमारी फंसी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम यहाँ तक पहुँचें और इंशाल्लाह ताला जितने भी दुश्वार रास्ते हों हमारा खिदमत खल का जो काम है वो इसी तरह जारी और सारी रहेगा। चेयरमैन वेलफेयर कराची स्टेट एजेंट एसोसिएशन सैयद मकसूद अहमद, अल्लाह ताला का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम कल रात को कराची से रवानगी थी हमारी और आज अल्हम्दुलिल्लाह बेला से तकरीबन 30-35 किलोमीटर है यहाँ पर हम पहुँचे हैं, जिसके अंदर हमारे को जावेद सूज मैंगल साहब ने बहुत कॉपरेट किया, इस जगह पर हमें पहुँचाया और बलोचिस्तान के हमारे चेयरमैन हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुतासरीन किस तरह किस हाल के अंदर यहाँ पर परेशान हैं। इन्होंने अपने छोटे छोटे खेमे लगाए हुए हैं, तो मैं आप तमाम लोगों से भी अपील करता हूँ कि यहाँ पर आएँ क्योंकि यहाँ पर हर कोई नहीं आ सकता। यहाँ पर तकरीबन क्योंकि रास्ता बहुत कठिन है, यहाँ पर आना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन भी है, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से हम खैर खैरियत से यहाँ पहुँच गए और इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पर तकसीम करेंगे जो चीज़ हम कराची से लेकर आए इंशाअल्लाह ताला, जिसके अंदर तमाम ज़रूरी ज़िंदगी की चीज़ें मौजूद हैं। और मैं अपने पूरे कराची स्टेट एजेंट एसोसिएशन और आल पाकिस्तान स्टेट एजेंट एसोसिएशन के बानी सरबराह चेयरमैन नदीम शेख भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इनकी जद्दोजहद, इनका जज्बा, इसको मैं सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि कल रात से ये यहाँ पर मौजूद थे, उसके बाद हम लोगों ने कराची से रवानगी की, तो ये डिस्ट्रिक्ट बेला कहलाता है लेकिन ये जितना अंदर जाकर है ये समझ लें कि बिल्कुल एंड। तो हम मुसलमान होने के नाते हमारा दीन इस बात की हमें दर्स देता है कि हमने कुल इंसानियत की खिदमत करनी है, तो ये खिदमत खल्क का काम है, इसका अजर अल्लाह ही हमें अदा करने वाला है, हमारी कोई औकात नहीं, ये काम हमसे अल्लाह ले रहा है। तो पूरी की पूरी एसोसिएशन और तमाम मेम्बरान अपने तमाम तर इस खिदमत खल्क के काम में लगे हुए हैं और हमारी मजीद कोशिश है कि बलूचिस्तान के अलावा इंशाअल्लाह अनकरीब हम अंदरून सिंध में भी राशन लेकर जाएंगे। और एक बार फिर से मैं जावेद सूज मेंगल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इनका ताल्लुक खुशदार से है लेकिन ये कल से यहाँ आए हुए और इनकी जो मेहनत है अल्लाह पाक इनको इसका अजर अदा फरमाए। आमीन आमीन आमीन। मुसलिन की मदद करने के लिए आल पाकिस्तान स्टेट एजेंट एसोसिएशन के चेयरमैन नदीम शेख के इन नंबर पर आप रब्ता कर उनकी माली मामनत फरमा सकते हैं।